जय हिंद बच्चों, आज हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। ठीक, आर्की बैक्टीरिया हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्की बैक्टीरिया हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा का जो है तो थर्ड लेक्चर है। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया आल्सो नोन एज, यू बैक्टीरिया आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यू बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा जो है तो सिग्निफिकेंट रोल होता है। ठीक है, अर्थ पर इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये रहता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन को जो है तो अमोनिया में चेंज करता है। और ठीक है, ये नाइट्रोजन को एमोनिया में चेंज करता है यू बैक्टीरिया। तो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है। और एग्जांपल यू बैक्टीरिया का हम लोग साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। और साइनोबैक्टीरिया को हम लोग और बेहतर तरीके से जो है तो जानेंगे, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया का सिग्निफिकेंट रोल होता है अर्थ पर। ठीक है, ये नाइट्रोजन को एमोनिया में चेंज करता है और एमोनिया के हेल्प से जो है तो एमिनो एसिड बनता है और फिर एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ठीक, तो इसके हेल्प से एमिनो एसिड और इसके हेल्प से प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसके हेल्प से प्रोटीन बनता है। ठीक है, बहुत सारे जो है तो एमिनो एसिड मिल जाते हैं तो प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है, देखिए, आर, ठीक है, टी डब्लो एच और हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है और एक एमोनिया ग्रुप लगा होता है, NH2। ठीक है, तो बिना एमोनिया ग्रुप के ये एमिनो एसिड जो है तो नहीं बनता है। तो इसीलिए जो है तो एमिनो एसिड का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, देखिए, साइनोबैक्टीरिया इस तरह का होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है तो इसी तरह का होता है, काई जम जाता है। काई जानते हैं ना, जो कि जहाँ पानी वगैरह रहता है वहाँ पर जो है तो जम जाता है, तो उसी को हम लोग जो है तो ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसी तरह का दिखता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसी तरह का दिखता है। आगे चलेंगे तो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स जितने भी पाए जाते हैं ना, वो जो है तो वो मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। ए मेम्ब्रेनस जो है तो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट, प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। तो लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। और आगे पढ़ेंगे, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनि मतलब सिंगल, यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर का मतलब सेल। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। और
साइनोबैक्टीरिया कभी कभी कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में भी पाए जाते हैं, जहाँ ग्रुप में इकट्ठा रहते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं उनको जो है तो हम लोग कॉलोनियल एल्गी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियल भी हो सकते हैं, हाँ ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियल भी हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया के जो है तो चारों तरफ गिलाटिनस की सीट होती है, ठीक है, गिलाटिनस की सीट होती है। जैसे आप लोग काई वगैरह जहाँ जमी रहती है आप उस पर चलेंगे तो वो थोड़ा फिसलन आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत फिसलता है पैर, तो ड्यू टू द गिलाटिनस सीट, ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया पर गिलाटिनस की सीट भी प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, वो जो है तो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ये भरेंगे, अगर साइनोबैक्टीरिया मोटाइल होता है, ठीक है, अगर साइनोबैक्टीरिया मोटाइल होता है तब जो है तो उस पर फ्लेजिला प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, हम और सरल भाषा में समझते हैं कि मोटाइल साइनोबैक्टीरिया पर फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ मोटाइल, ठीक है, इफ मोटाइल साइनोबैक्टीरिया, या बैक्टीरिया लिख लेते हैं, इफ मोटाइल बैक्टीरिया देन फ्लेजिला प्रेजेंट, तो मोटाइल बैक्टीरिया में फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के, जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी के सभी मेंबर्स एटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉफिक होते हैं। इनके मेंबर जैसे कि नॉस्टोक हो गया, एनाबेना हो गया, ये सभी के सभी जो है तो एलोसीरा हो गया, ये तीनों जो है तो साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स होते हैं, तो सभी के सभी मेंबर्स जितने भी होते हैं सभी के सभी एटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, इसमें का मतलब साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इन पिगमेंट्स का नाम है देखते हैं सी फाइको साइनी, ठीक है, ये जो है तो ब्लू कलर का होता है, सी फाइकोसाइनिन, और दूसरा है सी फाइको इराइथ्रिन, रेड कलर का होता है, इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि इराइथ्रोसाइट हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल को, तो रेड ब्लड सेल जो है तो आरबीसी जो होता है वो रेड होता है, ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह से याद कर सकते हैं कि ये इराइथ्रिन लिखा है, मतलब इराइथ्रोसाइट समझ सकते हैं, तो इराइथ्रोसाइट रेड होता है तो यहाँ भी फाइको इराइथ्रिन क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तीसरा पिगमेंट है बीटा कैरोटीन, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, ये क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए जो है तो और भी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सब में भी पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल ए कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है। साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशलाइज सेल पाया जाता है, स्पेशल तरह का सेल पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, वो सेल जो है तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो उस सेल को हम लोग हेटरोसिस्ट कहते हैं, ठीक है, उस सेल को हेटरोसिस्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम नॉस्टोक का ले लेते हैं, नॉस्टोक या एनाबेना, ठीक है, तो नॉस्टोक में ये सब जो है तो नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, तो इसमें लिखते हैं नॉर्मल सेल हम लोग लिख लेते हैं, और ये जो है ये वाला ये जो है तो हेटरोसिस्ट है, यही स्पेशल तरह का सेल है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ये साइनोबैक्टीरिया का स्पेशल सेल होता है, स्पेशलाइज सेल होता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशलाइज सेल पाया जाता है जिसको हम लोग हेटरोसिस्ट कहते हैं। हेटरोसिस्ट का फंक्शन होता है कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया का, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है नॉस्टोक,
ठीक है। पहला सबसे एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल है एलोसीरा, सॉरी नॉस्टॉप, और दूसरा है एलोसीरा, और तीसरा एनाबेना, तीसरा क्या है एनाबेना, एनाबेना। आगे पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं, समझे, जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक का मतलब समझाते हैं, हेटरोट्रॉफिक का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड रहता हो, जैसे कि ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग क्या है कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो हम लोग जो है तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हम लोग क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक, जैसे बाघ, चीता वगैरह, ये सब अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि लायन वगैरह जो है तो शेर वगैरह उस पर डिपेंड रहते हैं, हिरन वगैरह और भी सब जानवर है, भैंस वगैरह, गाय वगैरह, जंगली भैंस वगैरह, तो सब जो है तो उन पर डिपेंड रहते हैं, तो ये हेटरोट्रॉफिक होगा। तो हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो नेचर में सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं नेचर में, पूरे नेचर में सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, और इन ये बहुत ज़्यादा मददगार भी होते हैं ह्यूमन बींग के लिए या और भी कई जानवरों के लिए, खतरनाक भी होते हैं, मददगार भी होते हैं। मदद में देखिए ये क्या करते हैं सब, जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये मिल्क को, दूध को कर्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। मिल्क को जो है तो क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं, और ये कौन से हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इसके द्वारा जो है तो मिल्क को कर्ड में चेंज होता है, चेंज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोकंड्रिया की तरह, ठीक है, माइटोकंड्रिया की तरह एक ऑर्गेनेल पाया जाता है बैक्टीरिया में, जो कि माइटोकंड्रिया की तरह ही फंक्शन करता है। हम इस तरह समझ सकते हैं कि माइटोकंड्रिया की तरह फंक्शन करने वाला, ठीक है, फंक्शन करने वाला बैक्टीरिया में एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम लोग मीजोजोम कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जो है तो मीजोजोम कहते हैं। तो क्या हम बोले हैं कि माइटोकंड्रिया की तरह काम करने वाला, फंक्शन करने वाला बैक्टीरिया में एक ऑर्गेनेल पाया जाता है, उस ऑर्गेनेल का नाम मीजोजोम है, ठीक है, मीजोजोम है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए या प्लांट्स वगैरह के लिए पैथोजन होते हैं, पैथोजन का मतलब डिजीज कॉजिंग, ये डिजीज काज जो करते हैं उनको हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजेनिक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं। तो हेल्पफुल में हम बता दिए हैं कि मिल्क को जो है तो कर्ड में चेंज करते हैं, या एंटीबायोटिक्स का भी काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी काम आते हैं, तो आगे चलेंगे कि पैथोजन में मतलब कौन कौन सी बीमारी जो है तो काज करते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सबसे पहली बीमारी है कलरा, कलरा जो है तो विब्रियो कलरी द्वारा होता है, ठीक है, ये भी जो है तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। अगला है टाइफॉइड, तो टाइफॉइड जो है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, ये भी जो है तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सभी के सभी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो टेटनस भी यहाँ पर है, टेटनस जो है तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी द्वारा होता है। और अगला है जो कि प्लांट्स में होता है, साइट्रस कैंकर, ये जेंथोमोनास सेट्री द्वारा होता है, जेंथोमोनास सेट्री द्वारा, ये सभी के सभी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और काफ़ी जो है तो वो होता है याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको जो है तो याद कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी के ये चारों डिजीज जो है तो बैक्टीरियल डिजीज है, सभी चारों जो है तो बैक्टीरियल डिजीज है। जितना भी है हम सबको जो है तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी तरह का दिखता है, ये इमेज है साइनोबैक्टीरिया का, ये साइनोबैक्टीरिया का इमेज है। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है या
जो यूनिसेलुलर भी होता है, सॉरी यूनिसेलुलर होता है तो ये साइनोबैक्टीरिया। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक। और कॉलोनी में भी पाया जाता है, तो कॉलोनियल भी होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के चारों तरफ से गिलाटिनस की सीट पाई जाती है, गिलाटिनस सीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो है तो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। आगे चलते हैं, अगर साइनोबैक्टीरिया मोटाइल होता है, ठीक है, अगर साइनोबैक्टीरिया मोटाइल होता है तब उसमें जो है तो फ्लेजिला प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मतलब इस तरह सरल भाषा में समझ सकते हैं कि मोटाइल साइनोबैक्टीरिया में फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, मोटाइल साइनोबैक्टीरिया में फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। जितने भी मेंबर हैं साइनोबैक्टीरिया के सभी जो है तो एटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक होते हैं। ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और पहला है सी फाइकोइराइथ्रिन जो कि ब्लू कलर का होता है, दूसरा सी फाइकोइराइथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है, और तीसरा जो है तो बीटा कैरोटीन, और चौथा है जो है तो क्लोरोफिल ए, चौथा है क्लोरोफिल ए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल वो है पिगमेंट। साइनोबैक्टीरिया में एक सेल पाया जाता है, स्पेशलाइज सेल पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। उस सेल का नाम हम लोग हेटोसिस देते हैं, ठीक है, हेटोसिस देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ये नोस्टोक का ले लेते हैं। नोस्टोक में देखिए ये जो है तो नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये जो है तो स्पेशलाइज सेल है जिसको हम लोग हेटोसिस्ट कहते हैं। इसी के जरिए से ये जो है तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एन इंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेज इंजाइम, ठीक है, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन विद नाइट लिखते हैं विद नाइट्रोजिनेज इंजाइम, नाइट्रोजिनेज इंजाइम, नाइट्रोजिनेज इंजाइम, ठीक है, नाइट्रोजिनेज इंजाइम विथ नाइट्रोजिनेज इंजाइम। और साइनोबैक्टीरिया का जो है तो एग्जांपल है नॉस्टोक, एलोसीरा और एनाबेना। आगे चलते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, पूरे नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ जो है तो फायदेमंद होते हैं, ठीक है, नेचर में कुछ फ़ायदा भी उनका है। तो जैसे फायदे में एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये मिल्क को जो है तो कर्ड में चेंज करते हैं, और जो बैक्टीरिया इसको मिल्क को कर्ड में चेंज करता है उस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करने वाला एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको मीजोजोम कहते हैं, जिसको हम लोग मीजोजोम कहते हैं। तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया परफॉर्म फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसका नाम है मीजोजोम। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, पैथोजन का काम करते हैं, ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जैसे विब्रियो कलरी है, साल्मोनेला टाइफी है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है, एंथ्रोमोनास सीथ्री, ठीक है, इन सबको जो है तो बढ़िया से याद कर लेना है। और आज का हमारा लेक्चर जो है तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, आज का लेक्चर जो है तो ख़त्म हो चुका है, और अगला जो है तो माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो धन्यवाद।